Hey guys, welcome to my channel Mama's Yummy Love. Hope you all are fine and doing well. आज हम बना रहे हैं दाबेली मसाला, जो दाबेली बनाने के लिए बहुत ही हैंडी है और डेफिनेटली स्टोर बॉट मसाले से ये किफ़ायती है, हाइजीनिक है और टेस्टी भी है। तो चलिए झटपट से शुरू करते हैं कैसे दाबेली मसाला बनाना है। दाबेली मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है आधा कप धनिया या कोरिएंडर सीड्स, ये है 2 टेबलस्पून जीरा या क्यूमिन सीड्स, फिर हम ले रहे हैं 15 लौंग या लविंग, 1 टीस्पून काली मिरी, ये है 3 इंच जितनी दालचीनी या सिनेमन स्टिक्स और 1.5 टेबलस्पून जितनी यहाँ पे ली है हमने सौंफ या फेनल सीड्स, 2 तेज पत्ते या बे लीव्स। आपको गैस की फ्लेम बंद रखनी है और एक पैन में सबसे पहले ये सारा सामान इकट्ठा कर लेना है और फिर धीमी आंच ऑन करके आपको स्लो फ्लेम पे ही सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। पहले से ही अगर आप गैस ऑन कर देंगे तो पहले जो मसाले डाल रहे हैं वो जल जाएंगे। अब हम उसमें डाल रहे हैं 1 मोटी इलायची। सारी चीज़ों को स्लो फ्लेम पे हम ठीक तरह से भून लेंगे। ये है कश्मीरी मिर्च जिसमें से मैंने बीज निकाल लिए हैं। ये देखिए, मैंने एक कैंची की सहायता से पहले काट लिया है और अंदर से सारे बीज निकाल लिए हैं और अब हम इसे भी स्लो फ्लेम पे ठीक तरह से भून लेंगे। अगर आप पहले से डालेंगे तो ये थोड़े काले पड़ रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़े लेट डाले हैं। 5 से 6 मिर्ची यूज़ की है। ये मसालों को हमें भून लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है। इतना गर्म कीजिए कि हम उसे अच्छी तरह से मिक्सर में ग्राइंड कर सकें। मोटी वाली इलायची को मैं इस तरह कूट के उसमें से सारे बीज निकाल के यूज़ करूँगी, उसका छिलका फेंक दूँगी, क्योंकि कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस है कि छिलके की वजह से हमारे मेन रेसिपी में कड़वाहट आ सकती है। तो इसलिए मैंने ये बीज इस तरह ले लिए हैं और इसे मैं मसालों के साथ डाल के फिर मैं उसे ग्राइंड करूँगी। तो सारा मसाला थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसे एक मिक्सर जार में डाल देंगे। ये है हमारी मोटी इलायची के दाने, इसे भी मैं डाल रही हूँ। ये है हमारी इमली, मैंने एक बहुत ही छोटे नींबू की साइज़ की इमली को लिया है, उसमें से भी मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं, फिर मैं उसे यूज़ करूँगी और उसे दूसरे मसालों के साथ मिक्स कर दिया है। 3/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, 2 टेबलस्पून क्रिस्टल शुगर या मोटी वाली शक्कर, 1.5 टेबलस्पून पीसी हुई शक्कर और 5 टेबलस्पून सिलोनीज खमन या नारियल का बुरादा या सूखे खोपरे का खमन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है ग्रोसरी स्टोर में। ये सारी चीज़ें जो ऊपर से डाली है उसे हमें गर्म नहीं करनी थी, इसके लिए हमने इसे ऊपर से डाला है और अच्छी तरह से हमें दूसरे मसालों के साथ मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छा ग्राइंड हो गया है। ये रेगुलर ऑयल है जो मैं घर में यूज़ करती हूँ, उसे गर्म करके ठंडा कर लिया है और 2 से 3 टीस्पून हम डालेंगे उसे मसाले में। अगर हम उसे गर्म नहीं करेंगे तो उसकी एक बहुत ख़राब फ्लेवर आ सकती है। 1/2 टीस्पून नमक डाला है हमने और ऊपर से लुक के लिए ये 1 टेबलस्पून वापस सिलोनीज खमन या नारियल का बुरादा डाल रही हूँ, ये सिर्फ लुक के लिए है। अभी ये सारी चीज़ों को आपको ऐसे ही चम्मच से मिक्स करना है या आप उसे हल्का सा मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। चम्मच से मिक्स करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटली आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे उसे हल्का सा थोड़ा मिक्सर में ग्राइंड कर रही हूँ और ये हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से सारे मसाले एक दूसरे के साथ मिक्स हो के बहुत अच्छे पिस भी गए हैं। तो यहाँ पे मैं ये दाबेली मसाला एक दूसरे कंटेनर में निकाल रही हूँ। हमारा मसाला एकदम रेडी टू यूज़ है और आप इसे फ्रिज में 3 से 4 महीने तक बहुत अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं, इसे कुछ नहीं होगा और आप इसमें से बहुत अच्छी और टेस्टी और डेफिनेटली जो बाहर मिलती है उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी दाबेली घर पे ही बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी दाबेली कैसे बनाते हैं और दाबेली कप्स एज ए स्टार्टर उसकी भी रेसिपी लोड की है, तो आप उसे भी चेक करना ना भूले। तो हमारा ये होममेड दाबेली मसाला एकदम रेडी टू ईट है, रेडी टू सर्व है, पर दाबेली फॉर्म में।
तो आप ये रेसिपी बनाइए, उसमें से दाबेली बनाइए, अपने व्यूज और एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मामास किचन ऐप को डाउनलोड कीजिए। सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।